शॉप कम गोदाम पर अनधिकृत कब्जा किए जाने का नोटिस मिलने पर व्यापारियों ने गोदाम खाली किए। इंदरगढ़ कृषि उपज मंडी परिसर में भंडारण के लिए बनाए गए शॉप कम गोदाम पर जिन 6 व्यापारियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा था, उन सभी गल्ला व्यापारियों ने मंडी सचिव अनिल शर्मा को गोदाम खाली करने की सूचना दे दी है। मालूम हो कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सेवड़ा ने अभी 6 व्यापारियों को मंडी सचिव की शिकायत पर मध्य प्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 एक सन 1974 धारा 4/1 के तहत मंडी स्थित शॉप कम गोदाम खाली करने के नोटिस जारी किए थे। बेदखली के नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों द्वारा अपने अपने गोदाम खाली करा दिए गए हैं। मंडी अधिनियम अनुसार खाली हुए शॉप कम गोदाम का उपयोग मंडी में पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ही किया जाना है। शॉप कम गोदाम आवंटन करने के लिए मंडी प्रशासन शीघ्र ही सभी पंजीकृत व्यापारियों को सूचना पत्र जारी कर शॉप कम गोदाम की बोली संपादित करेगा और जो व्यापारी अधिक बोली लगाएगा उसे शॉप कम गोदाम आवंटित कर भंडारण के लिए अनधिकृत किया जाएगा। बोली की तारीख शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इन व्यापारियों को हुए थे नोटिस जारी। मंडी परिसर इंद्रगढ़ में जिन 6 व्यापारियों पर शॉप कम गोदाम को अनधिकृत रूप से कब्जा कर अनाज भंडारण का आरोप था, उनमें अरविंद सिंह, बालकिशन साहू, शैलेंद्र शिवहरे, रवि मिश्रा, अरविंद कुमार तिवारी एवं पवन साहू ने नोटिस मिलते ही अपने अपने शॉप कम गोदाम खाली कर दिए हैं। मंडी सचिव अनिल शर्मा ने गल्ला व्यापारी बालकिशन साहू द्वारा पैसे दिए जाने के आरोप को निराधार और बेबुनियाद बताया। मंडी सचिव का कहना है कि जब अनाधिकृत रूप से शॉप कम गोदाम पर कब्जा करने वाले व्यापारी से शॉप कम गोदाम खाली कराया गया तब आरोप लगाया, इससे पहले क्यों कोई आरोप नहीं लगाया, फिर भी व्यापारी के पास पैसे देने का कोई प्रमाण हो तो वो प्रस्तुत करे। संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमान जी, आप अपना नाम बताएं। बालकृष्ण साहू, इंद्रगढ़ जेवरिया बट इधर। अच्छा अच्छा, क्या समस्या आ गई? समस्या ये है कि एक गाड़ी पे बनने पर गेट पास के यहाँ लगते हैं 200 रुपये। अच्छा, ठीक है, सबरे चले जाओ तो 100 रुपये लगती हैं और उसके अलावा 150 रुपये क्विंटल इलेक्ट्रिसिटी साहब ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, किस बात का ले रहे हैं? बेजो कह रहा है जब तक गाड़ी हमने अपने काना गेट पास नहीं काटेंगे आपका। अच्छा हाँ, बिल्कुल सब व्यापारी दे रहा है, बाकायदा दे रहे हैं, 150 रुपये क्विंटल ले रहे हैं सेक्रेटरी साहब, इतनी गाड़ी चलेंगे इतना कितना कितना पैसा ले रहे हैं वैसे, और हमसे और 60,000 रुपये की दुकान की वसूल चुकी है जी। जो आपको मतलब नोटिस दिया गया है? हाँ, नोटिस दिया, पहले 60,000 रुपये ले लिए हमसे। अच्छा हाँ, सामने अब ये नोटिस इनने किस समस्या को लेकर दिया? अब ये कह रहा है किराया चालू कर दूँ या हर महीने हमको 6,000 रुपये अलग से देना चालू करूँ। हमने कहा 150 रुपया तुमको गाड़ी मिल रहा है, 700 रुपये 800 रुपये गाड़ी जी फालतू ले रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं भैया? तुलाई तो मंडी की सबरें कटती है और 1 किलो धर्मकांडे सबरें होता है, किसान को जो माल कट रहा है वो सब होता है। ठीक, और हमने ये भी सुनाया कि ये 8 दुकानें हैं यहाँ पे जी, इसमें से 6 दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं जी और 2 दुकानदारों को नोटिस नहीं दिए गए हैं। उसमें बताया जा रहा है कि एक दुकान जो है उसमें शासकीय दुकान खोली गई है और एक दुकानदार को नोटिस नहीं दिया गया है, ये सही बात है? नहीं, इस बात की हम नहीं जानकारी कर सकते ना, हमको जानकारी है। जारी किया गया था कुछ व्यापारियों के खिलाफ, उसमें क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं? लगभग 5 गोदाम अभी खाली हुआ, 1 गोदाम रात तक खाली हो जाएगा, खाली कराने कार्रवाई हम लोग का। और कुछ व्यापारी ने आपके ऊपर रिश्वत लेने का कुछ आरोप लगाया, वो जो नियम विरुद्ध है, वो जो कोई अगर इस टाइप का गोदाम खाली कराने के समय जो आरोप लगाया इसके पूर्व वो मेरे ऊपर आरोप लगा सकते थे, उस समय क्यों नहीं लगाया? कुछ उन व्यापारी द्वारा 2 दुकानों पर अतिक्रमण कर रखा था और जो है जब खाली कराने का नोटिस दिया गया तब उनके द्वारा मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए, और अगर उनके ऊपर ऐसे कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। जिन व्यापारियों को जो अभी खाली कराया जा रहा है, क्या उसके बाद कहीं इनको मौका फिर से दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, जब हम इसके बाद नीलामी कराएंगे तो वो अपना आवेदन करें और हम उनको जो है देंगे। वो तो व्यापारी के लिए ही है, ये दुकान है लाइसेंसधारी व्यापारी के लिए। मंडी के बाहर जो व्यापारी गल्ले का काम कर रहे हैं वो कौन से नियम से कर रहे हैं सर? ये मंडी के बाहर पट्टे वाले जो काम कर रहे हैं, कल मेरे द्वारा उनके जो है पट्टों की जांच कराई गई थी, जिसमें 2 व्यापारियों पे मेरे द्वारा 5 महीने की कार्रवाई की गई। एक और सर, वो मंडी के अंदर जो धर्मकांटा लगा हुआ है जी, उसको लेकर तमाम शिकायत पार्टी लगभग आ रही हैं। एक तो ओवर रेटिंग कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, प्लस
जो डिफरेंस आ रहा है टोल में तो उस संबंध में उसके कांटे की मेरे द्वारा आज से 10 दिन पहले जांच करा दी गई है। नापतौल विभाग दतिया से इंस्पेक्टर आए थे मिस्टर मिश्रा जी, आपके मिश्रा साहब, उन्होंने उसकी जांच कर ली है और उसका जो है उन्होंने पंचनामा बना के प्रस्तुत भी कर दिया है एसडीएम साहब मंडी को भी दिया।